राम राम मेरे सारे भाइयों, ना मैं आपका दोस्त हिमांशु ढिलोन हिमांशु डोगा उसमें आपका स्वागत करता हूँ। इस वीडियो का टॉपिक है कि हमें किस एज में अपना अपने घर पे एक पपी लाना चाहिए। वैसे लाने में तो हम देखो 20 दिन का भी ला सकते हैं, लाने में हम एक दिन का भी रह सकते हैं, और लाने में हम 3 महीने का भी 4 महीने का अडल्ट भी ला सकते हैं। बट ये कि जो हमारे घर के लिए हमारे एटमोसफेयर के अकॉर्डिंग जो हमें प्रॉपरली सर्वाइव कर सके घर पे या प्रॉपरली रह सके, जिसको मतलब किसी तरीके का मेडिकल इशू ना हो पाए, कि जाए कि 20 डेज का पपी हम ले सकते हैं नहीं ले सकते। तो 20 डेज का पपी हम ले सकते हैं, रख सकते हैं, बट 20 डेज बाद जो बच्चे की डिवोर में होते हैं वो प्रॉपरली 20 डेज बाद की जाती है, और जो डिवोर में होती है वो ड्रॉप वाइज की जाती है। एक सिरप आता है डिवोर में का, वो आप होते ही मतलब 20 डेज का बच्चा हो उसके आप उसके माउथ में आप धीरे धीरे ड्रॉप वाइज डालोगे तो उसकी डिवोर्मिंग हो जाएगी। कई सारे मेरे भाइयों का क्वेश्चन है कि हम जैसे बच्चा हुआ एक दिन का तो हम उसे ला सकते हैं। देखो आप ला सकते हो, मेन दिक्कत कहाँ पे आपको आएगी कि आपको उसकी केयर ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। जब वो उठने के साथ उसको खाना वाना प्रॉपर, मतलब जैसे कई बार क्या होता है कि हमारे फीमेल के अंदर इन्फेक्शन आ जाता है दूध के अंदर, तो बच्चे को मदर मिल्क की जगह हम दूसरा जो बाहर का अदर फीड मिल्क होते हैं वो देते हैं, जिससे ये हो कि या तो बच्चे भी नहीं मर पाए, ठीक है, और जो मदर है वो ठीक रहे। बाकी मैं सलाह दूंगा आपको, आप एक पपी अपने घर में लाएं वो सबसे बेस्ट है। अपने लिए एक 45 डेज तक का पपी लेना चाहिए, जिसमें मेरे 45 डेज के बाद एक फर्स्ट वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाती है। इसमें वैक्सीनेशन का नाम लिया जाए तो एक है 11 in 1, एक है 9 in 1, जो दोनों ही बेस्ट है। आपको जो आपके बजट के अकॉर्डिंग आपको जिस भी अकॉर्डिंग आपको ठीक लगे वो आप ले सकते हैं। और सेकेंड ऑप्शन ये होता है कि अडल्ट डॉग अपने घर में ला सकते नहीं ला सकते, तो अडल्ट डॉग का ये है कि आप पहले देख लें कि उसका डॉग का नेचर कैसा है। बाकी तो वो ये कहने वाली बात है, जानवर है क्या पता कब क्या दिक्कत कर दे।